जय श्री माता जी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे सगे संबंधियों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे दोस्तों, मेरे सहजयोगी भाइयों, मेरी आप सब से एक विनम्र विनती है कि आज मैं ये वीडियो आपके लिए इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है श्री माता जी के श्री चरणों के आशीर्वाद को लेते हुए। इमैक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन NGO जिसके द्वारा ये फिल्म निर्माण हुई ग्रह लक्ष्मी द अवेकनिंग, इसका एक नया हिंदी वर्जन हमने 91 मिनट का बनाया था। CBFC ने अप्रूव किया उसको और सारे CBFC ऑफिशियल्स ने, सेंसर बोर्ड ने आत्म साक्षात्कार भी पाया और ये भी कहा कि ये ऐसी फिल्में इस दुनिया को सख्त ज़रूरत है और मुझे उन्होंने संबोधित किया बड़े प्रेम से कि आप इस फिल्म को पूरी दुनिया जगत में सिनेमा हॉल्स में दिखाएं। मगर कुछ ऐसा हो गया इस वायरस के आने से कि सिनेमा हॉल्स बंद हो गए, ये फिल्म रिलीज ही नहीं कर पाए हम। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस अवसर का फ़ायदा उठाया जाए और आप सबके घरों में, आपके TV चैनल्स में ये फिल्म को लाया जाए। हमने 6 महीने पहले ये प्रस्ताव दूरदर्शन के लिए रखा था मगर हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे एक भैया हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं और गवर्नमेंट में बहुत ऊंचे पद पे बैठे हैं और उन्होंने हमारी मदद करके दूरदर्शन को राज़ी किया, हमारे INB मिनिस्टर को राज़ी किया कि वो इस फिल्म को देखें और फिर खुद बताएं कि वो उसको दिखाना चाहेंगे कि नहीं। हमारी जो प्रेजेंटेशन दूरदर्शन को गई थी उसमें हमने यही कहा था कि आज की जो महामारी है COVID-19, इसको लड़ने के लिए कई उपाय निकल रहे हैं, कई इलाज निकल रहे हैं, तो क्यों ना ध्यान और योग के द्वारा हम इस फिल्म को प्रदर्शित करें क्योंकि ये फिल्म का मूल्य ही यही है। आखिरी 20 मिनट में श्री माता जी आत्म साक्षात्कार इस फिल्म में देती हैं और ये फिल्म आपको दिखाने के लिए हम बहुत देर से चेष्टा कर रहे थे कि किसी बड़े TV चैनल में, उनके इतने बड़े नेटवर्क में घर घर तक ये कहानी, ये फिल्म जाए, लोगों को श्री माता जी द्वारा सीधे आत्म साक्षात्कार मिले। और मुझे खुशी होती है बताने के लिए कि दूरदर्शन ने हमारी पुकार सुन ली और हमें कहा कि ये फिल्म कल यानी कि सैटरडे 16 मई रात को 10 बजे DD भारती पे ये प्रसारित की जाएगी। आप सभी लोग अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को, जन जन तक हो सके तो ये मैसेज फैलाइए कि कल ज़रूर DD भारती में ये फिल्म को देखें रात को 10 बजे हिंदुस्तानी टाइम पे। हमारे विदेशी भाई बहन भी इसको देख सकते हैं। आप फेसबुक में, यूट्यूब में, हर जगह अपने सोशल मीडिया में आप इसको, इस मैसेज को फैलाइए। और एक खुशखबरी और है कि दूरदर्शन ने यह भी फैसला किया कि वो अपने नेशनल चैनल में, जैसे कि दूरदर्शन नेशनल नेटवर्क, वहाँ पे भी ये फिल्म संडे को 17 मई को रात को 11 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे दिखाई जाएगी। आप अपने सगे संबंधियों को, सबको ज़रूर कहें कि ये फिल्म को देखें। इस फिल्म के माध्यम से हम लोग जब ध्यान को पाते हैं तो इस ध्यान के को पाने के बाद हमारे अंदर के सारे भय चले जाते हैं क्योंकि हमारा जो निजी, जिससे हम पैदा हुए हैं, जो हमारी शक्तियां हैं, वो श्री माता जी ने एक सहज योग के द्वारा उनको जागृत करवाया है इस फिल्म के द्वारा। और वो शक्ति जब हमारे हृदय में आके हमारे हृदय को प्लावित करती है तो हमारा जो चित्त है वो प्रकाशित हो जाता है, जिसके ज़रिए जो हमारा हृदय है, जो हमारा सेंट्रल हार्ट है, वहाँ पे हमारे को भय ख़त्म हो जाता है। और ये भय ही कारण है जिसके कारण हमको महामारी आती है। तो जब भय इस ध्यान से जाएगा, जब आपका जो सिस्टम जो लड़ता है अंदर से, जो आपके एंटीबॉडीज़ निकलते हैं, वो ही इतने तेज़ निकलते हैं इस ध्यान धारणा से कि कोई कोविड जैसी बीमारी आपको नहीं पकड़ेगी यदि आप हृदय से इस ध्यान को करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। हमारे जितने सहजी भाई बहन इस ध्यान को इस पूरे विश्व में 130 देशों में कर रहे हैं, किसी को भी अब तक कोविड से कोई भी ऐसा बुरा असर नहीं हुआ है। आप मानिए, इटली जैसे शहर में, इटली जैसे देश में, जहां हम लोग बहुत बहुत बड़ी संख्या में हैं, किसी एक भी व्यक्ति को ये महामारी का इतना बुरा असर नहीं हुआ है। आप सब भी इस असर से बच सकते हैं यदि आप इस ध्यान को अपनाएं। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हमारी बात को समझा है और एक हमें चिट्ठी दी है कि
कि ये एक बहुत बड़ी ध्यान की स्थिति आप लोगों को दे रहे हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और हम इसको सपोर्ट करते हैं। तो हम श्री माता जी से आशीर्वादित हो गए हैं, इस वक्त माँ की कृपा मांगते हैं कि आप सब तक ये फिल्म फ्री में दूरदर्शन के द्वारा आपके घरों में बैठकर इस लॉकडाउन के टाइम पे आप लोग इसको एंजॉय करिए, इसका पूरा आनंद उठाइए और लोगों को दिखाइए और आत्म साक्षात्कार इस फिल्म के द्वारा सबको दीजिए। सो याद रखिएगा, कल रात सैटरडे 16 मई रात को 10 बजे आप ज़रूर डीडी भारती में इसको देखें, 1.5 घंटे की फिल्म है। और फिर परसों संडे को रात को 11 बजे, थोड़ा रात को लेट जागिएगा और सबको इकट्ठा करके इस फिल्म को आनंदित होकर देखिएगा। यही मैं आप सब से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ बनी रहें और ऐसी फिल्में हमेशा हमेशा हम आपके आगे पेश करें। जय श्री माता जी, सुखद रहे, खुश रहे।